आदाब नाजरीन, INET टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हम की 10 साल मियाद के आखिरी 7 दिन जो बाकी बचे थे, इस मौके पर आज रियासती सहाफ़ियों को असराना दिया गया, जिसमें तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मोतमद आला सैयद गौस मुहीद्दीन, शरीक मोतमद हबीब अली अल जीलानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नईम गौरी और कदीर फारूकी वगैरह ने शरीक होकर उनसे ज़बान उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए गुजारिश की, जिस पर गवर्नर ने इन्हें तयकुन दिया कि वो जाने से पहले नेकी का काम करते हुए हुकूमत को एक लेटर ज़रूर लिखेंगे और उनकी यह सारी गुफ्तगुशुनीद उर्दू में ही हुई। वाज़ह रहे कि रियासती गवर्नर का ताल्लुक तमिलनाडु से रहा है और BJP हुकूमत की सिफारिश पर अगले गवर्नर को भी वहीं से मुंतखब किया गया है और वो हैं लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जो तमिलनाडु की BJP पार्टी की सदर रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।